girls are young, they like it. When they get old, they start shouting, screaming at the boy exploited them. Now the main thing is... One second. Stop. When they are young, they like it. Yeah, what do they like? When they're with boys, they enjoy it. And when they grow old, Pink, they're screaming. You are being tortured by us. He has said, when girls are young, they like it. And when they are older, then they scream and shout at us. I want to know what is this. We are forcing you to be with us. I am sorry that you are so tortured. I think this is the reason we are having this discussion today. That it's as per convenience, how can you blame it? Okay, girls like it when they are young and they scream. I think that's ridiculous. I think that's very disrespectful to say to a girl. I think if there is sex or a kiss or a hug, there are two people there, not just the girl. Button? Right, sir. Bodily exploitation jaisi sirf ek cheez hoti hai, wo hai rape. Understand? आप ऑलरेडी अपने वेट को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म फेस कर चुके हो या यस हेलो फेस कर चुके ऐसे में आपको लगता है इट्स अ गुड आइडिया टू अटेंड दिस ट्रिप एज एन एक्ट्रेस एज यू कैन सी के लोगों ने हंस दिया है आपके सवाल पे ही तो मुझे आंसर देने का जरूरत नहीं है आई थिंक इट्स रिडिक्यूलस आई एम सॉरी बट दिस क्वेश्चन इज रिडिक्यूलस फॉर मी because I've done a film called Daawat-e-Ishq and for me I think it's ridiculous to say that a food trip won't be correct for this film I'm sorry but that question I didn't like much having said that agar main khana kha rahi hu that doesn't mean I'm not going to the gym after that or doing something about that so I think it's very disrespectful of you to ask this question I think it's the best marketing plan we have for this film and I'm definitely going on that trip कहने का मतलब वो नहीं था यू नो दैट एक्ट्रेसेस अपने वेट को लेकर अपनी बॉडी को लेकर बहुत पर्टिकुलर होती है तो आई मीन यू डूइंग ग्रेट थिंग फॉर द फिल्म आप जो कर रहे हो जी अगर मैं इतनी कॉन्शियस होती तो शायद मैं ये पिक्चर ना करती आई थिंक आई एम जस्ट स्टेइंग ट्रू टू द फिल्म एंड इफ आई पुट ऑन अ लिटिल मोर वेट आई विल गो बैक टू द जिम एंड आई विल शेड इट ऑफ सो प्लीज डोंट बी वरीड या ऑल द बेस्ट आज क्या पूछने वाले तुम कुछ नहीं इसके बारे में मैं जानना चाहूं नॉलेज क्यों नहीं है कितने साल के हो तुम 24 गर्लफ्रेंड है नहीं है इसी रीजन से नहीं है मम्मी है ना बहन है तुमसे तो मैं बात करने नहीं वाली हूँ अब हाउ कैन यू नॉट नो अबाउट दिस रिडिक्यूलस टेरेबल हमने भी जैसा कि सुना है कि जब प्रॉब्लम्स होती है तो कौन सी प्रॉब्लम ये जब प्रॉब्लम्स होती है कौन सी प्रॉब्लम जब पीरियड्स की जब प्रॉब्लम्स होती है प्रॉब्लम तो मालूम नहीं जब प्रॉब्लम होती है ना तो पीरियड्स नहीं होते मैं ये बताना चाहती हूँ आपको ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके बाद जब तो हम ऐसे लोग हैं जरा इन पे कैमरा पैन कीजिए ऐसे लोगों को मारने के लिए मैं यहाँ आई हूँ आज मतलब हम ये भी सुनते हैं कि लोग मंदिर नहीं जा सकते और पूजा नहीं कर सकते तो ऐसी प्रॉब्लम्स कभी आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछिए मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं तो इसे आप समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं नहीं वही तो मैं कह रही हूँ पूछो ठीक से वो नहीं आप नो हाँ बोलो ओके ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन चाहिए मुझे तो गुड बात करो इसमें यू हैव टू टॉक अबाउट इट यू कांट बी शाय अबाउट इट शाय नहीं होता मैं कभी लेकिन आपको पता नहीं इतनी सारी लड़कियां खड़ी है सब बोल रही पूछो मारेंगी तुम्हें सब हमने सुना है कि लोग मंदिर नहीं जा सकते और पूजा नहीं कर सकते तो ऐसी प्रॉब्लम्स मतलब कभी फेस करनी पड़ी परिणीति को हाँ बहुत ज्यादा एंड मतलब मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रही हूँ आपको लेकिन जैसे आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है आपको पीरियड्स के बारे में नहीं पता है आप 24 साल के हैं ये बहुत ही शेमफुल बात है एक्चुअली हम लोग हंस रहे हैं लेकिन ये बहुत शेमफुल बात है कि आपको नहीं पता पीरियड्स के बारे में 24 साल के हैं आप बाप बन सकते हैं आज के दिन और आपको फिर भी नहीं पता है इट्स सो सैड एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर बिकॉज मैन रियली नीड टू रिलैक्स दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड वॉट पीरियड्स आर दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जब पीरियड्स नहीं होते ना इसका मतलब लड़की बीमार है आपको समझ में आता है ये
बहुत हेल्दी चीज़ होती है, बहुत नेचुरल चीज़ होती है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इसमें कुछ हम गलत नहीं कर रहे हैं कि हमें पीरियड्स हो गए हैं तो मतलब अभी हमें कहीं जाके छुपना है. ऑनेस्टली आई रियली होप कि ये मी टू मूवमेंट का स्टार्ट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं. एंड आई रियली होप ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टोरी है, अगर ये सच है तो. सो आई रियली होप दिस इज नॉट द स्टार्ट. हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी विक्टिम्स हैं, एस्पेशली वुमेन इन दिस इंडस्ट्री, एक्ट्रेसेस, अगर किन्हीं के साथ भी ऐसा कुछ भी हुआ है, I said it in my tweet also, I want every woman out there to come out there and speak, क्योंकि if they don't speak now, they will forever be suppressed. And personally, I've never gone through such an experience, but God forbid अगर ये मेरे साथ हुआ होता, I would have never kept quiet. So which is why I don't think keeping quiet is the solution ever. This is something very serious that has happened to somebody. If it has happened, again मैं बोल रही हूँ, if it has happened, I'm not taking sides because I wasn't there, so I don't know. But if it has happened, it is the worst thing that can happen to a woman. If we can't feel protected in our industry, in our country, then how can I live? How can I do anything? How can I work? So I hope this is all untrue. I hope this has not happened to her. But if it has, then we will all support her. Not only the women, I think all the men are also going to support her. And I really hope this is not the start of a big movement, because it will be terrible if there are more stories like this.